यहाँ पे अकेले मत घूमो। अच्छा, गड्डी में रहो या टू व्हीलर में रहो। उन्होंने बताया कि ये डेंजर जोन है। ऐसा कुछ किताब है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? मस्त मस्त लगेगा ना। ये आवाज सुन रहे हैं आप? बड़े दिनों के बाद में मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, और मजा आने का कारण जो है कि जिस जगह में मैं आपको लेके आया हूँ आज, वो जगह में आने के लिए लगभग मैंने 3 बार कोशिश करी है, और 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी कोविड की वजह से मेरे को जाने के लिए अलाउड नहीं हुआ वहाँ पे। तो आज जैसे सिविलियंस के लिए अभी खुल चुका है, तो मैं आपको ऐसी किसी आज बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे लेके जाऊँगा। तो ये है वो जगह जो मेरे पीछे में है, और इसका नाम है घोड़ाजरी। घोड़ाजरी ये जगह मेरे घर के बहुत करीब है। मैं आपको फट से अंदर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ ये जगह के बारे में, इसकी खासियत, यहाँ पे क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल आई जस्ट लेट यू नो इन अ मोमेंट। तो कैसा है नज़ारा? पूरा गहरा जंगल है इस तरफ में भी जंगल है। आजू बाजू जो है पूरे पेड़ पौधे। कोरोना की वजह से ये लगभग 4-5 महीने जो बंद था, और अभी ये हाल ही में 1 हफ्ता हुआ है जो शुरू हुआ है इसकी एंट्री, नहीं तो ये अभी तक पूरा बंद था। आप देखो कि बंद होने की वजह से यहाँ पे जो है आजू बाजू जो है पूरे पेड़ पौधे जो है एकदम घना घना जो हो गया है, और छुट्टी में आ सकते हो यहाँ पे घूमने फिरने। देखो इस तरफ में पूरा जंगल, मस्त नज़ारे, सिर्फ पंछी, हवा, जंगल, मतलब अकेलेपन का जो मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही ज़ोरदार मज़ा है। एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब आप लोग अगर बरसात में आएंगे यहाँ पे, देखिए ये जो जंगल है, ये जो कॉरिडोर है, ये आपने अगर सुना होगा ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो ये जो घोड़ाजरी है ये अभी ताड़ोबा के जो अंडर में आने की प्रक्रिया में है। मतलब यहाँ पे अभी जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनका ये हिसाब है कि घोड़ाजरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, इसको ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंदर में इसको कन्वर्ट कर लें। अगर आप यहाँ पे आते हो, शायद हो सकता है कि आपको वाइल्ड एनिमल की यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर भी, जैसे तेंदुआ, शेर, 1-2 बार स्पॉटिंग हुई है यहाँ पे शेर की, और हिरन तो आपको वैसे ही दिख जाएंगे। हिरन की तादाद अच्छी खासी है यहाँ पे, और भालू भी है, सांबर वगैरह। और आप ये देख रहे हो, ये छोटा सा ब्रिज है, यूजुअली बरसात में जो है ये पूरा भर जाता है पानी से, तो पानी इसके ऊपर से फ्लो होता है। छोटे बच्चों के लिए मौज करने के लिए ये अच्छी जगह कन्वर्ट हो जाती है बारिश में। और फिर अभी जैसे ठंडी का मौसम शुरू हुआ है लगभग, तो ये मौसम में भी आप आ सकते हो। पर मेन जो सीज़न है यहाँ पे आने का, मेन सीज़न जो है वो बरसात का है, और 15 अगस्त के दिन जब बारिश का पानी थोड़ा जमने लगता है यहाँ पे, उसकी वजह से कैसा होता है कि आगे में तो एक छोटा सा डैम है, मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पे, तो वो डैम भरने के बाद में वहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है। तो जिनको कम मेहनत में ज़्यादा मज़े लेने के हैं, उन लोग ऐसे जगह जा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं।
तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि वो कैसे दिखता है। फॉरेस्ट क्यों हो गया? फॉरेस्ट के लिए हम यहाँ के लोकल हैं। अच्छा 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 यार, ये कोरोना के बाद में अभी भी खुला है ना ये शायद? कहाँ पे दिखा था आपको? उधर दिखा था कुत्ती पे ना, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे दिखा एक बार। हाँ, एक बार दिखा यहाँ पे, जो उधर जाके जाने के बाद आगे में ऐसा, मतलब टिकट है ना। हाँ आगे में मेरे पास फोटो भी है। अच्छा है क्या आपके पास? लेकिन वो दूर के है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे अकेले मत घूमो। अच्छा, गड्डी में रहो या तुम इधर में रहो, ऐसे पैदल चलना रिस्क है। वो पीछे भी दौड़ता है। अरे बाप रे, चलो यार, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा कि ये लोकल थे यहाँ के, तो देखो यार, मैं आपको लगे कि ये बातें बनावट है, पर अभी इन्होंने खुद बताया है भैया ने कि यहाँ पे शेर है। कुछ दिन पहले इनको आगे में जो है पैंथर दिखा था, और इस तरफ में आगे जो है टाइगर दिखा था। तो यार अब यार इन्होंने बोला है कि यार तुम यहाँ पे ब्लॉग मत करो। यार चलो उनकी बात सही है, वो यहाँ पे प्रॉपर है तो उनको तो ऑब्वियसली अपने से ज़्यादा ही पता होगा। तो यार रिस्क तो नहीं ले सकते भाई, गड्डी से ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते अभी। यार बहुत अच्छा हो गया उन्होंने बताया, मैं तो मस्त मौज मार रहा था यहाँ पे पैदल चल चल के। रिस्क नहीं लेते भैया, है ना, गड्डी के पास ही रहेंगे, आपको दिखाऊंगा, कोई डाउट नहीं। पर उन्होंने बोला है कि शेर और तेंदुए जो है वो पीछे दौड़ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरी तो भाई फटे में आ गई है, सही बोल रहा हूँ। पर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ पे और क्या हिसाब है ना। आप तो फिलहाल गाड़ी के करीब से ही आप ये थोड़ा नज़ारा देख लो यार, है ना। मैं डिटेल दूंगा इसके बारे में, सारी डिटेल दूंगा, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, ओके। सो मैं अभी आपको जो मेन स्पॉट है पिकनिक का वहां पे लेके चलता हूं, है ना, चलो। नहीं, आपने ये जो देख रहे हो आप, ये इन्होंने अभी अभी बताया कि पीछे में बायसन मिल है। तो यार अपना तो मौका चुक गया, पर यार ये उन्होंने बताया कि ये डेंजर जोन है। अब यार मैं ज़्यादा वॉक यहाँ पे नहीं करूँगा, अगर वापसी के वक्त में अगर अपने को मिल जाता है बायसन वगैरह तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा, क्योंकि वो ऐसा जानवर है कि उससे तो शेर भी डरता है। तो हमको थोड़ा आराम से और आस्ते आस्ते जाना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली दिखाऊँगा आपको। अभी हम लोग स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, जो डैम जैसे जो ये होता है, सॉर्ट ऑफ डैम है वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत कसरत करनी पड़ती है, बहुत कसरत है। तो ऐसा कुछ आप देख रहे हैं, ये जिग-जैग है। यहाँ पे जब पूरा पानी भर जाता है ना, मतलब पूरा जब यहाँ तक इसके यहाँ तक वाटर लेवल यहाँ तक हो जाता है, तो यहाँ से ओवरफ्लो होता है। तो जो लोग बिना मेहनत के मज़े लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो स्पॉट है ये बेस्ट स्पॉट है। जिग-जैग बना हुआ है ये, और यहाँ से जब पानी ओवरफ्लो होता है तो इतने प्रेशर में ओवरफ्लो होता है कि अगर आप ये कॉर्नर में, वो कॉर्नर में भी अगर आप खड़े रहोगे, या तो यहाँ पर भी ऐसे, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है मसाज मिलेगी यहाँ पे। और बारिश में अगर आप आ रहे हो तो आपके फिर मजे है भाई साहब। अगर आप ऐसे अभी जैसा सीज़न अभी चल रहा है, अक्टूबर का 21 तारीख, अगर आप अक्टूबर में वगैरह आ रहे हो, तो आपको ठंडी के मौसम में ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, जितना भी पानी मिलेगा आपको भरा हुआ वो बरसात में ही मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर यहाँ पर आना चाहते तो आप आइए बरसात में, ठीक है जी। हम लोग वापस चलते हैं, मैं आपको जो है और आगे का स्पॉट दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो रास्ता है ये सीमेंट का बना हुआ है, और ये जो रास्ता है ये कैनल बना हुआ है, और ये ऊपर से जाएगा। अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको बाजू में जो है तालाब का व्यू मिल सकता है, आप नीचे से जाओगे तो आपको जंगल का व्यू मिलेगा और कैनल का व्यू मिलेगा, जिसका पानी ये तालाब से आता है। तो ये दो रास्ते हैं, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर आप ऊपर से भी जाओगे तो भी सेम स्पॉट में जाओगे, नीचे से भी जाओगे तो भी सेम स्पॉट में जाओगे। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप आना चाहते हो
तो ऐसे ही वर्किंग डे में आओ, मतलब संडेज को मत आओ। कोशिश करो कि आप मंडे सैटरडे के बीच में आओ, ताकि आपको रश नहीं मिले और आप जो है इस एम्बियंस का भरपूर जो है मज़े और फ़ायदे ले सकें। चलो मैं अभी आपको आगे लेके चलूँ। देखो ये रास्ता कुछ ऐसा है जहाँ से अभी हम लोग आए, ठीक है, और स्पॉट बस आगे में ही है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको कैनल अगर देखना है तो आप नीचे के रास्ते से जाइए, तो ये देखिए कुछ कैनल ऐसे दिखता है खूबसूरत। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? आवाज़ सुन रहे हो? चिंता मत करो, चिंता आप बिल्कुल मत करो। आपको जो है तबीयत से मस्त एक नंबर करीब ले जाके दिखाऊंगा। आप जो है पहले ये देख लो, है ना, सब दिखाऊंगा, चिंता नको करो, बढ़िया से आप सिर्फ मजे लो। ये जो है यहाँ से सप्लाई जो है ओपन करते हैं, इससे सप्लाई ओपन करके नीचे से गेट है और यहाँ से पानी जो है पास होता है वो कैनल में। आप देख लो ये बहुत गहरा है, इस तरफ में ये देखो बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा। वहाँ पे मछुआरों ने जो है पूरी जाली लगा के रख दी है, ऐसी पूरी जालियाँ जो है मछुआरों की लगी हुई है, ऐसा कुछ हिसाब है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? मस्त मस्त लगेगा ना भैया, मेहनत चल रही है, जम के मेहनत चल रही है। आहा हा, हवा देखो, अरे रे 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 बाप रे, इतनी ज़ोरदार हवा, वाह 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 वाह। चलो आपको आगे लेके चलता हूँ, है ना, बहुत ही बढ़िया। आप आइए यहाँ पे, बेशक आइए। हम लोग ऑलमोस्ट स्पॉट में पहुँच चुके हैं, घोड़ाझरी जंगल रिजॉर्ट, रहने करीता खोले भोजना की उत्तम सोए बोटिंग, मतलब यहाँ पे खाने के लिए पूरे अरेंजमेंट और रहने के लिए आपको रिसॉर्ट अवेलेबल यहाँ पे है। यहीं देखें, बहुत बार देखे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक भाई मिले थे वहाँ पे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। अभी ये एक भाई है, ये भी बता रहे कि इन्होंने एक यहीं देखे थे ना भैया, आगे भी देखे थे ना, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी मोमेंट में रहती है। सो वेन एवर यू कम टू दिस प्लेस, मेक श्योर यू डोंट लीव योर कार और यू डोंट सो फार फ्रॉम योर कार। तो ऐसी कुछ हिसाब किताब है। ये मेन डोर है घोड़ाझरी का, जो गार्डन है उसका मेन डोर है। आप अपनी टिकट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, पर पर्सन 20 rupees है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है यहाँ का, आप आ सकते हो। अभी इसका रेट क्या है और क्या टैरिफ है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, तब तक आप ये नज़ारे देख लो। रूम है यहाँ पे, आप जो है यहाँ पे रह सकते हो। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन है, देखो चिल्ड्रंस पार्क। तो ऐसा कुछ चिल्ड्रन पार्क है ये छोटे बच्चों के लिए। टूटी फूटी जो बोटें यहाँ पे रखी हुई है, ये झूला है, यहाँ पे आप छोटे बच्चों के साथ में बैठ सकते हो, खेल सकते हो। वेरी नाइस एम्बियंस, यू नो, आप बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हो, वेरी नाइस प्लेस टू विजिट। यहाँ पे फैमिली भी आई हुई है कुछ लोगों की, यहाँ पे कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। ये कियोस्क है, दिस इज़ कियोस्क, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है। देखते ज़रा पूछते हैं, यहाँ पे तो फिलहाल कोई है नहीं, लेट मी सर्च के यहाँ पे कोई है क्या। दादा कौन है यहाँ पे? तो ऐसा कुछ हिसाब है, फैमिली है यहाँ पे, खा रही है, बढ़िया एंजॉय कर रही है, खाने का चीज़ें यहाँ पे मिलता है। तो
ऐसा कुछ हिसाब है, खाने का कोई चिंता नहीं यहाँ पे, नॉट टू बी वरी अबाउट फूड नॉट थिंग। तो ऐसा है भैया, बोटिंग का यहाँ पे होता है क्या टिकट? कैसा चार्ज है भैया बोटिंग का? पैडल बोट है 60 रुपये पर पर्सन। तो दैट इज़ द सिचुएशन कि यहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर विलिंग टू डू इन बोटिंग एंड ऑल थिंग, तो अभी तो आपने देख ही लिया कि क्या रेट है यहाँ के, ऐसा कुछ हिसाब है। बोटिंग यहाँ से शुरू होती है और कियोस्क फॉर द बोटिंग इज़ हियर। मतलब जो गार्डन का टाइमिंग है वही बोटिंग का टाइमिंग है ना? ओके हाँ। तो मैं ऐसे आगे में घूम वगैरह सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, चलो थैंक यू भैया। तो ये हिसाब है, गार्डन के टाइमिंग में ही आप लोग जो है बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। और रेट तो आपको वहाँ पे बता दिया उन्होंने, फिर भी मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और एक स्क्रीनशॉट करके या फिर टाइप करके पूरा अच्छे से आपको डिटेल में दे दूँगा। अभी अपने भाई भी मिले वहाँ पे, आवेश खान, एक ज़माना था मेरे स्कूल में हुआ करते थे वो, अच्छा लगा मिल के। वो अपने फैमिली के साथ में आए थे तो मैंने सोचा कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आहा वाह वाह वाह, क्या हवा चल रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। ये कुछ ऐसे पैडल बोट है। तो ऐसा है कुछ यहाँ पे नज़ारे, पूरा बारिश का पानी जम जम के पूरा तालाब जो है लेवल पानी की काफ़ी भर चुकी है। शायद वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, दिस इज 3 एंड नथिंग इज फ्री। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये पानी की वेव्स आ रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और ये थोड़ा जो है, अरे बाप रे, ये थोड़ा डेंजरस है, दिस इज क्वाइट डेंजरस। तो आई टेक यू गाइस ऑट टू दैट प्लेस। हम लोग बाहर से भी जा सकते हैं, बाहर से एक रास्ता है, या तो आप यहाँ से भी पैदल चल चल के जो है ऐसे जा सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, शूज़ के फीते निकल गए, मैं थोड़ा इसको बांध लेता हूँ। तो ऐसा हिसाब है, आप थोड़ा आगे के नज़ारे ले लो अभी, है ना? और इस तरफ में बड़ी बड़ी घास है, इस तरफ में खूबसूरत सा एक पेड़ है और इस तरफ में जो पूरा तालाब है। जरा समझो यार, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस तरह से जो शराब की बोतल डिस्पोजल प्लास्टिक वेफर्स आप खा के फेंक रहे हो, ये सही नहीं है। यहाँ पे भी वेफर्स पड़े हुए हैं, शराब की बोतल पड़ी हुई है, इधर प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ शेम, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये इतने अच्छे जगह में आप ये कचरा कर रहे हो, सूरज की जो है रेज पानी में गिर रही है और ये पानी एकदम एकदम गोल्डन गोल्डन जो है इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, वाओ, वेरी नाइस। Everybody wants their own peace, bro. ये रेस्ट हाउस है, दिस इज अ रेस्ट हाउस और ये
पीछे का गार्डन कुछ ऐसा हिसाब है यहाँ का। आप लोग आराम से यहाँ पे आके रह सकते हो और मस्त एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है यहाँ का। और ये पीछे का गार्डन है। कॉमरेड्स, ये है सुरेश मेश्राम जी। यहाँ पे आप आएंगे, आप मतलब यहाँ का पूरा केयर टेकिंग आप करते क्या, मतलब सारा देख रेख साफ सफाई में आप है? ओके। और खाना वगैरह जो है ये भाई साहब। हाँ तो व्यूवर्स, ये है शरद भाई। शरद भाई आप यहीं रहते ना? तो ये शरद भाई है, ये कुक है। आपको किसी भी रिगार्डिंग अगर खाना या कुछ भी नॉन वेज वेज सब, तो वेज नॉन वेज अगर आप कुछ भी चाहते हो तो शरद भाई इज़ एट योर सर्विस। तो ऐसा है हिसाब किताब यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, वेरी नाइस एम्बियंस एंड द पीपल इज ऑल्सो वेरी गुड। शेखर नागो से ना जी? हाँ। और ये जो हमारे आगे चल रही है शेखर नागो से जी, ये रेस्ट हाउस का पूरा लेखा जोखा इनके पास रहता है। एक आदमी का 1,000 रुपए, दो आदमी का 1,000 रुपए, तीसरा रहा तो पर पर्सन 400 रुपए। अच्छा, ये कूलर है अंदर में। ओके, ये कूलर है, ये सारा बाथरूम है। ओके, ये टॉयलेट बाथरूम है ना? ओके, बहुत बढ़िया। और ये बंद है ना? स्टोर है ये, वो स्टोर रूम है, मतलब एक ही रूम का अकोमोडेशन मिलेगा ना, एक नाइट का? आज आए तो सवेरे 11 बजे का चेकआउट रहता है। अच्छा, मतलब आप रात को कितने भी बजे आओ सुबह 11 बजे का चेकआउट रहता है। एक रूम में दो आदमी रहते हैं और एक रूम का 1,000 रुपए रेंट है। हाँ, तो 400 रुपए। ओके, ओके। तो ये रेट कम ज्यादा होते रहेगा या ये फिक्स है? फिक्स है ना? ऑनलाइन बुकिंग कुछ नहीं होती है, डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा। कॉल करना पड़ता है। ओके, जो खाने का है ऑर्डर पे दे देने का। अच्छा, पहले ही? हाँ। ओके, और अपन यहाँ पे अगर रहने आए मान लीजिए और हमको खुद को खाना पकाना है, अगर अपन खुद का खाना लेके आए तो वैसा चलेगा क्या कि यहीं का ऑर्डर करना पड़ेगा? आप ज्यादा लोग होंगे आप कर सकते हैं ना। ओके, एक आदमी का 15 रुपए कैटरिंग चार्जेस है। ओके ओके ओके, और पानी और जगह देते हैं। अच्छा, फिर वाटर अवेलेबिलिटी गर्म है या फिर ठंडा ही रहेगा यहाँ पे? पानी 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 नहाने के लिए, पानी नहाने के लिए गर्म करके देते हैं। अच्छा, सवेरे नहीं क्या? हाँ हाँ, नहाने के लिए गर्म पानी देते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ जी, पेंटिंग भी बहुत अच्छे से है और ये कूलर है आगे। ओके, ये कूलर है ना? ओके, मतलब यहाँ से ना? ओके ओके। और ये पूरा हफ्ता चालू रहेगा क्या भैया, शेखर भैया? क्या ये पूरा हफ्ता चालू रहेगा या संडे या कुछ ऐसा बंद रहता है? डेली चालू रहेगा ना? हाँ, ओके, ओके। सब 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 सब। ओके ओके, ये बाथरूम बड़ी है। ओके ओके ओके, ओके। हाँ 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 हाँ, अच्छा, ओके ओके, बहुत बढ़िया। कूलर इधर है ना इसका? वेरी नाइस। शेखर भैया नंबर कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा? ये अपने वो अलोने साहब, वो उन्हीं का नाम है ना अलोने? हाँ, खापरडे। खापरडे कहाँ पे? अभी आए, आज आए ना वो, खापरडे आए, छुट्टी पे है अलोने। अच्छा, तो इनका भी नंबर ले लूँ क्या मैं? है ना, इनका नंबर है आपके पास में? ये इनका नंबर है कि आपका लेना पड़ेगा? नहीं, उसका ले लो ना। उनका नंबर आपको पता है? नहीं, मेरा नंबर नहीं। तो एक काम कर, मेरे को उनका नंबर दे दे, है ना? ओके, वेरी नाइस।
ये ऐसे कियोस्क है वहाँ पे छोटे छोटे, जहाँ पे आके आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आके इलू इलू मत कर देना यार, वो थोड़ा सा रिस्की है। डोंट डू एनी काइंड ऑफ इलू इलू हियर, दिस इज़ हार्ड कोर एंड प्योर फॉर द फैमिली थिंग राइट। करीबी एकदम पानी का है तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। बहुत बढ़िया, ये देखिए पानी जब यहाँ पे भर जाता है तो पानी अपना कचरा यहाँ पे पूरा छोड़ देता है। तो प्लास्टिक जो है यहाँ पे पड़ी हुई, ये वेफर यहाँ पड़े हुए हैं, ये दारू की बोतल पड़ी हुई है। तो दिस इज हाउ इट इज। थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पे उस तरफ गए थे, उस तरफ में थे, और ये पानी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर हमें यहाँ पे बैठना चाहिए। वी शुड सिट हियर फॉर अ व्हाइल। सो आपने देखा रूम टूर मैंने आपको दिया, कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत नहीं ज़रा सा अच्छा लगा होगा, क्योंकि पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इन द लैप ऑफ नेचर अगर आप रहते हैं तो इतना तो वर्थ है। अभी इनकी 5 बजे छुट्टी होती है तो सब लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आपको जो मैंने आज शोकेस किया है वो अच्छा लगेगा, और ऐसा कुछ हिसाब किताब है यहाँ का। सब लोग जा रहे हैं, और ये ऐसा कुछ इसका व्यू है। तो जगह के बारे में, रहने के बारे में और खाने के बारे में जितना भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो वीडियो, अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो बीच में मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आपको ये घोड़ा जरी के डिटेल्स के बारे में सब जो भी है सब कुछ आपको पता चलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की मेरी बनाई हुई वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बंदे ने बहुत मेहनत किया है तो एक तो लाइक बनता है। अगर आप जुड़े रहना चाहते तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी और खूबसूरत चीज़ें आपको हमेशा बताते रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलता हूँ कोई अगले लोकेशन में। तब के लिए बाय। जिस रास्ते से हम लोग आए थे ये कैनल वाला रोड है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ऊपर से, तो ये वही कैनल है। और ये कम से कम 30-35 फीट गहरी है। तो बी वेयर ऑफ दिस कैनल इफ़ यू आर ड्राइविंग और इफ़ यू ऑप्टिंग फॉर दिस रोड। ये ऐसा रोड है, बहुत ही मस्त रोड है।